आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला रामपुर के ब्लॉक स्वार के गांव मुबाना पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 32 किलोमीटर तो ब्लॉक से 8 किलोमीटर है। 3200 वोटों वाले इस गांव की बागडोर राधेश्याम संभाले हुए हैं। यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। 4 वर्षों में इन्होंने इस गाँव को किस तरह से सजाया है और अब भी क्या समस्याएं बाकी है, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद है ब्लॉक स्वार के मुबाना ग्राम पंचायत में। यहाँ प्रधान द्वारा काफी विकास करवाया गया है जिसकी पूरी जानकारी हम यहाँ प्रधान जी से लेकर आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। 4 साल आपके कार्यकाल को पूरे बीत चुके हैं, क्या क्या विकास कार्य आपने अपनी ग्राम पंचायत में अब तक करवाए हैं? सीसी कराई है जी, खरंजे कराए हैं, शौचालय बनवाए हैं, ODF हो गई ग्राम पंचायत। हाँ, ODF हो गई है ग्राम पंचायत जी। आवास बनवाए हैं, कितने आवास हैं? आवास बनवाए हैं 10। 10 आवास मिले, 10 आवास मिले जी। सरकार की जो योजनाएं, स्कूलों की जो स्कूल है उनकी मरम्मत, प्लास्टर, फर्श सब कराए हैं। स्कूल पर काफी सौंदर्यकरण करवाया है स्कूल। सरकार की जो योजनाएं यहाँ चलती हैं, केंद्र सरकार गरीबों के लिए जो योजनाएं लागू करती है, क्या आपकी ग्राम पंचायत में सभी लोग लाभ ले पा रहे हैं? सब लोग लाभ ले पा रहे, सब लोग लाभ ले रहे हैं। किसानों के खाते में सम्मान निधि का पैसा, सम्मान निधि का पैसा पर सब्सिडी या जो उनका बीमा वगैरह है, सबका 60 साल पेंशन, जिसकी विधवा पेंशन है सबकी लाभ, सबको लाभ मिल जाए। सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट लगवाई है आपने? बोरी लगवाई है बिहार में, हमने आपसे बताया। कूड़ेदान लगवाए जी। यहाँ सरकारी बिल्डिंग में आपके स्कूल के अलावा बारह घर नहीं है, पंचायत घर, आंगनबाड़ी केंद्र है, दो खेल का मैदान नहीं है, शमशान घाट, कब्रिस्तान, बॉल। अब अपने गांव को सुंदर और विकसित बनाने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहते हैं? हम ये रखना चाहते हैं कि जैसे अब तालाब है, इन पे हमें ये मिलना चाहिए कि तालाबों का सुंदरकरण कराया जाए जी। अब सरकार अगर हमें पैसा दे तभी तो हम करा सकते हैं। हमारा स्कूल RCC से जोड़ा जाए, प्राइमरी और जूनियर स्कूल RCC से जोड़ दिया जाए, वो रोड टूटा जाए, क्योंकि रोड है वो PWD का। अच्छा, ये हमारा कहना है बस, और कोई कुछ नहीं कहना है। तो उन पर स्कूल को जाने वाला जो रास्ता है वो PWD में आता है, तो बहुत ज्यादा खराब हालत में PWD में आता है वो, उसको हम भी नहीं करा सकते, PWD ही करा सकते। कितने परिवार यहाँ ऐसे होंगे जिन्हें आवासों की आवश्यकता है? परिवार है करीब 50। मेरी पंचायत में 50 है ऐसे परिवार जिन्हें आवास की बहुत आवश्यकता है। यहाँ पीने के पानी की तो दूषित होने की तो कोई समस्या है यहाँ? नहीं, वो नहीं है जी। साफ सफाई वगैरह सब? हाँ, साफ सफाई नियमित आते हैं। जैसा कि आपने देखा, ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास प्रधान द्वारा यहाँ करवाया गया है, सीसी टाइल्स कार्य, आवास भी यहाँ लोगों को मिले हैं और ग्राम पंचायत ODF भी पूरी तरह से हो चुकी है। स्कूल पर भी काफी सौंदर्यकरण प्रधान द्वारा यहाँ करवाया गया है, लेकिन अभी भी कुछ समस्याएं यहाँ बाकी हैं जिनसे लोग जूझ रहे हैं। जैसे कि लगभग 50 परिवार यहाँ ऐसे हैं जिन्हें आवासों की आवश्यकता है। यहाँ पर बारात घर, पंचायत भवन को लेकर भी प्रधान ने मांग रखी है। इसके अलावा जो प्रमुख समस्या और प्रमुख मांग यहाँ प्रधान द्वारा रखी गई है वो ये है कि यहाँ पर स्कूल, प्राथमिक स्कूल और जूनियर हाई स्कूल को जाने वाला जो रास्ता है बहुत ही जर्जर और खस्ता हालत में है, जिसका निर्माण PWD विभाग की जिम्मेदारी बनती है। प्रधान का मानना है और कहना है कि यदि सरकार इनकी मदद करे और PWD विभाग से मदद मिले तो वो रास्ता इनका बेहतर हो जाए, जिससे कि बच्चों को स्कूल आने जाने में परेशानी का सामना ना करना पड़े। अशरफ अली के साथ मैं नाज़रीन, टुडे 24 से। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम रमेश सिंह है जी। यहाँ ग्राम प्रधान द्वारा विद्यालय में क्या क्या विकास कराया गया? हमारे जो भी जितने भी कमरे हैं उनमें सब में फर्श कराया गया है और जो टॉयलेट पड़ा था उसमें टाइल्स लगी हैं, कुछ नल का जो हुआ है, नल जो है और वही काम है, और गेट लगे हैं मेन गेट। मतलब समय देते हैं प्रधान जी विद्यालय के लिए जब आपको जरूरत होती है? जब भी बुलाते हैं, इसी तरह की कोई शिकायत है तो तुरंत हम बुलाते हैं या मिलते हैं।